अदृश्य दुश्मन यानी कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने देश और दुनिया में तहलका मचा दिया। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया और पूरी दुनिया थम गई। पिछले साल मार्च में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। क्या हाट बाजार, शहर, कस्बे और गांव, स्कूल, कॉलेज, बस, रेल, हवाई जहाज सब थम गए। लोग अपने घरों में कैद हो गए। वजह साफ थी, कोरोना वायरस। इस सब का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा, लेकिन ऐसे में भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लगातार आगे बढ़ता रहा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसका मुख्यालय नैनीताल जनपद के कुमाऊं द्वार के नाम से प्रसिद्ध शहर हल्द्वानी में 25 एकड़ भूमि में विकासशील अवस्था में है। विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्र से लेकर पीएचडी तक के 90 से भी ज्यादा पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के 8 क्षेत्रीय कार्यालयों और 125 अध्ययन केंद्रों के जरिए 70,000 से भी ज्यादा शिक्षार्थी अध्ययनरत हैं। कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने डिजिटल मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी के सहयोग से जहां ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया, वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित कर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ साथ कई विदेशी मुक्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने की शिक्षा प्रदान की। लॉकडाउन के दौरान जहाँ पूरा विश्व घरों में था, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सभी उच्च शिक्षण संस्थान बंद थे। छात्र घरों में कैद थे और शिक्षण प्रक्रिया से वंचित थे। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र लगातार डिजिटल मीडिया के जरिए दूरस्थ शिक्षा हासिल कर रहे थे। विश्वविद्यालय के शिक्षक लगातार अपने अपने विषयों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए शिक्षा प्रदान कर रहे थे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के अलावा व्हाट्सएप पर भी विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रोग्राम आधारित छात्रों के समूह बनाकर उन्हें शिक्षा प्रदान की गई और समन्वय स्थापित कर उनकी शैक्षिक शंका दूर की गई। सिमका के सहयोग से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश और श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिमका यानी कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया के सहयोग से ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की फैकल्टी को ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने की शिक्षा प्रदान की गई। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वेबिनार में कई अतिथियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई ऑनलाइन शिक्षा की मुहिम की सराहना की गई। कोविड के दौरान विश्वविद्यालय का हर शिक्षक, हर कर्मचारी, इवन हर छात्र छात्राएं सजग रहे और इस बीच में ऑनलाइन घर पर रह करके पढ़ाई का व्यवस्था की गई। छात्र छात्राओं को वर्चुअल माध्यम से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने सहयोग तो किया ही, साथ में देश के विभिन्न लोगों ने भी और अच्छे अच्छे वक्ताओं ने भी उसमें अपने लेक्चर दिए। माननीय केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड की राज्यपाल और कुलाधिपति श्रीमती बेबी रानी मौर्य और UGC चेयरमैन डॉक्टर DP सिंह ने भी कई वेबिनारों को संबोधित किया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट द स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT एंड वोकेशनल स्टडीज ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया न्यू दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5-day वर्कशॉप especially pertaining to the online tools which are required for dissemination of online education and has become indispensable in the wake of COVID-19. I extend my compliments to Uttarakhand Open University and the collaborating institution
for this endeavor. विश्वविद्यालय का हर विभाग वेबिनार करता रहा. कई हम लोगों ने इंटरनेशनल नेशनल वेबिनार भी किए जिसमें हमारे बड़े अच्छे अच्छे अतिथि जुड़े और हमारा कार्य निरंतर चलता रहा. हम रुके नहीं, थके नहीं, डिगे नहीं. और हमारा जो इंटेक है इस बार इसका परिणाम रहा कि हमारी स्वीकार्यता बढ़ी और हमारा इंटेक इस बार 30% बढ़ गया. विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर तैयार कर या फिर सीधे तौर पर सोशल मीडिया, जूम, गूगल मीट जैसे माध्यमों से विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को परामर्श दिए गए. सभी विषयों के लगभग 200 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए गए. वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के जरिए भी छात्र छात्राओं की शंका हेतु उनके विषयों संबंधित पाठ्यक्रम विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए. कोरोना दुनिया के लिए एक वैश्विक महामारी थी, मगर इस दौरान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए. इस दौरान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन डिग्री की व्यवस्था की शुरुआत भी उत्तराखंड के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा की गई. ऑनलाइन व्यवस्था के तहत मार्कशीट घर बैठे ऑनलाइन कर दी. बच्चे को सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री का, ऑनलाइन घर पर मिल जाता है. माइग्रेशन जिसको अन्य यूनिवर्सिटी में कहते हैं, हमारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो ऑनलाइन घर पर मिल जाता है. और ऑनलाइन व्यवस्था के तहत 70,000 बच्चों ने घर बैठे एडमिशन विश्वविद्यालय से लिया. किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हमने ऑनलाइन सारा ई कंटेंट डेवलप किया. इस बीच में हमारा ई वेबसाइट पर पूरा ई कंटेंट है. अगले वर्ष से हम ऑनलाइन ही जो असाइनमेंट में जमा कराएंगे और ऑनलाइन एग्जाम भी लेंगे. और इसके अलावा भी कई विषयों में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार आयोजित की गई. इसके अलावा कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार की अध्यक्षता की गई.